जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे ग्रहों के तत्व के बारे में। हमने पिछले 2-3 एपिसोड्स में बात की हर ग्रह के कारक तत्व के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे, आप प्लीज़ इसे नोट करते चले जाइए, आपको बहुत लाभ होगा इससे, कि ग्रहों का कारक तत्व क्या है, ग्रहों का तत्व किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि ग्रहों का, जैसे राशियों के तत्व हमने पढ़े थे, अग्नि तत्व राशि, जल तत्व राशि, वायु तत्व राशि, उसी तरह ग्रहों का भी एक अपना तत्व होता है जिसके हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं। और आप किसी भी जातक की कुंडली का विवेचन करें तो आपको हर ग्रह का तत्व अवश्य पता होना चाहिए। हर ग्रह का अगर तत्व आपको पता होगा तो कुंडली विवेचन करने में ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा और आपको इसकी बड़ी सहायता मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं अग्नि तत्व ग्रहों की, यानी फायरी प्लैनेट्स। हमारे ऑर्बिट में 2 ग्रह हैं जो अग्नि तत्व ग्रह माने जाते हैं, सूर्य देवता और मंगल देवता, यानी सन एंड मार्स। सूर्य और मंगल ये दोनों अग्नि तत्व ग्रह माने जाते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, कभी भी इनको आप पापी ग्रह गिनने की गलती मत कीजिएगा। इनमें सेपरेटिव टेंडेंसी ज़रूर है, लेकिन ये देवताओं में आते हैं। बहुत सारे कैलकुलेट करने वाले इसे पापी कह देते हैं, जो कि शास्त्रों के विरुद्ध चली जाती है बात, जो निराधार बात होती है। इनमें क्रूरता अवश्य है, इनमें पापित्व नहीं है, क्योंकि अग्नि तत्व होने की वजह से सिर्फ इनमें सेपरेटिव टेंडेंसी है। लेकिन ये दोनों ही ग्रह देवताओं की कैटेगरी में आते हैं। देवताओं की कैटेगरी में आने की वजह से इन दोनों में एक अच्छा तत्व भी माना जाता है, चाहे ये सेपरेटिव टेंडेंसी में क्यों नहीं आते हों, सिर्फ इनका तत्व अग्नि तत्व होने की वजह से इनमें क्रूरता मानी जाती है। तो हमारे ऑर्बिट में सबसे पहले सूरज देवता और मंगल देवता को अग्नि तत्व ग्रह की पदवी प्राप्त है। ये दोनों ही ग्रह क्रूर और अग्नि तत्व ग्रह हैं, सूरज और मंगल देवता। इससे आगे लिखिए प्रिय दर्शकों, चंद्रमा और शुक्र देवता, ये दोनों ग्रह जल तत्व ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा यानी मून, शुक्र यानी वीनस, ये दोनों का तत्व जल तत्व राशि, जल तत्व ग्रह माने जाते हैं। जैसे सूरज और मंगल अग्नि तत्व ग्रह थे, वैसे ही चंद्रमा और शुक्र देवता जल तत्व के ग्रह माने जाते हैं। इससे आगे बात करते हैं वायु तत्व ग्रह। शनि, राहु और केतु को सदैव वायु तत्व ग्रह कहा जाता है, क्योंकि जिसने भी विदेश यात्रा करनी हो, प्लेन से जाना हो, तो सबसे पहले शनि राहु केतु का ही विवेचन किया जाता है, क्योंकि ये विदेश जाने के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। तो शनि, राहु और केतु को वायु तत्व ग्रह माना जाता है। इससे अगर आगे बात करें बुध देवता यानी मरकरी, मरकरी पृथ्वी तत्व ग्रह माना जाता है, वेरी डाउन टू अर्थ, यहाँ एक इसमें तत्व होता है पृथ्वी तत्व ग्रह, तो बुध देवता को पृथ्वी तत्व का ग्रह माना जाता है। लास्ट रह गए एक बृहस्पति देवता यानी जुपिटर, जुपिटर को आकाश तत्व ग्रह माना जाता है। जितनी भी आकाश से पॉजिटिविटी आती है वो सारी बृहस्पति देवता के अंदर आती है, बृहस्पति देवता उसका तत्व अपने अंदर लेके रखते हैं। तो बृहस्पति एक वायु तत्व ग्रह माना जाता है। एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, प्रिय दर्शकों नोट कर लीजिए, सूर्य और मंगल अग्नि तत्व ग्रह, चंद्रमा और शुक्र यानी मून एंड वीनस जल तत्व ग्रह, शनि राहु केतु तीनों वायु तत्व ग्रह, और बुध पृथ्वी तत्व ग्रह, और बृहस्पति आकाश तत्व ग्रह। तो ये सारे तत्व आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, क्योंकि कुंडली विवेचन में ये बहुत बड़ा सहायक रोल प्ले करते हैं। अगर आपको ग्रहों के तत्वों की जानकारी होगी तो 1 सेकंड से पहले बता देंगे कि जातक का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है,
जातक का स्वभाव कैसा है, जातक की प्रवृत्ति कैसी है, जातक कौन सी स्थिति में कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि राशियों के बाद ग्रहों का प्रभाव उस पर कैसा बैठा है, ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी बैठी है, ये उसकी पर्सनैलिटी का निर्णय करने में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। इसके आगे प्रिय दर्शकों बात करते हैं सेक्स ऑफ द प्लैनेट्स, प्लैनेट का लिंग निर्धारण करना कि प्लैनेट कौन सा लिंग इस सृष्टि में लेकर के बैठा है, या प्लैनेट मेल है या फीमेल है या नपुंसक ग्रह है, उसमें ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले बात करेंगे मेल ग्रहों की। इन ग्रहों में देखा जाए कि मेल ग्रह यानी मेल प्लैनेट्स कौन से हैं, यानी मेल ग्रह किस को गिना जाता है, तो उसमें तीन ग्रह आते हैं। सूरज देवता एक मेल प्लैनेट माने जाते हैं, यानी पुरुष ग्रह माने जाते हैं। सूरज देवता को पुरुष ग्रह में गिना जाता है, मंगल देवता को भी पुरुष ग्रह में गिना जाता है, और बृहस्पति देवता को भी पुरुष ग्रह में गिना जाता है। तो पुरुष ग्रह में तीन ग्रह गिने जाते हैं, सूरज, मंगल और बृहस्पति देवता। ये तीनों ग्रहों को पुरुष ग्रह की पदवी प्राप्त है। इसके आगे बात करते हैं प्रिय दर्शकों स्त्री ग्रह यानी फीमेल प्लैनेट कौन कौन से हैं। हमारे ऑर्बिट में चंद्रमा देवता और शुक्र देवता, ये दोनों ही फीमेल ग्रह की पदवी लेकर के बैठे हैं। ये दोनों ही ग्रह फीमेल प्लैनेट यानी स्त्री ग्रह माने जाते हैं। इसके आगे बात करते हैं नपुंसक ग्रह। हमारे ऑर्बिट में बुध देवता और शनिदेव, ये दोनों ही नपुंसक ग्रह माने जाते हैं, यानी जिनका अपना कोई वजूद नहीं होता, इनको नपुंसकता की पदवी प्राप्त है, बुध देवता और शनिदेव। इसके आगे बात करते हैं प्रिय दर्शकों दो छाया ग्रह की। नव पुरुष में आते हैं, नव स्त्री ग्रहों में आते हैं, नव नपुंसक ग्रहों में आते हैं। उनकी अपनी एक अलग पहचान है, जिसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड्स में भी आपको विस्तृत जानकारी दी। वो दोनों छाया ग्रह माने जाते हैं और वो राहु और केतु माने जाते हैं। दोबारा से रिपीट करता हूं, एक बार लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, अगर इसमें कोई गलती है तो करेक्ट जरूर कर लीजिए। प्रिय दर्शकों पुरुष ग्रह यानी मेल ग्रह कौन कौन से हैं, सूर्य देवता, मंगल देवता और बृहस्पति देवता। स्त्री ग्रह यानी फीमेल ग्रह कौन कौन से हैं, दो ग्रह हैं, चंद्रमा देवता और शुक्र देवता। नपुंसक ग्रह कौन कौन से हैं, दो ग्रह नपुंसक माने जाते हैं, बुध देव यानी मरकरी, शनि देव यानी सैटर्न, ये दोनों नपुंसक ग्रह माने जाते हैं। दो छाया ग्रह माने जाते हैं जिनमें सबसे बड़ा राहु और केतु का मेजर रोल गिना जाता है, ये दोनों ही छाया ग्रह माने जाते हैं। राहु जो है वो शनिदेव की परछाई माना जाता है, केतु जो है वो मंगल देवता की परछाई माना जाता है। पर प्रिय दर्शकों इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर मंगल अच्छा है तो केतु भी सदैव अच्छा फल देगा, अगर शनिदेव अच्छा है तो राहु भी सदैव अच्छा फल देगा, ऐसा नहीं होता। हो सकता है राहु उच्च का पड़ा हो और शनिदेव नीच के पड़े हों, हो सकता है शनिदेव उच्च के पड़े हों राहुदेव नीच के पड़े हों। तो ये बात निराधार है, दिमाग से निकाल दीजिए कि शनि जैसा होगा वैसा ही राहु होगा, या मंगल जैसा होगा वैसा ही केतु होगा, ऐसा नहीं होगा। कुंडली में दोनों की एक अलग स्थिति है, दोनों ही अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। इनमें हो सकता है एक ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला हो, दूसरा ग्रह बहुत बुरा रिजल्ट देने वाला हो। ये आपको कुंडली देख के खुद विवेचन करना होगा कि मेरा कौन सा ग्रह कितना अच्छा या कौन सा ग्रह कितना बुरा पड़ा हुआ है। ग्रहों की जानकारी देते हुए प्रिय दर्शकों मैंने आपको पहले भी एपिसोड्स में कुछ बताया था कि हर ग्रह जिस चीज से जुड़ा हुआ है उसका कार्यकित्व सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पिता के साथ आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर उसका भाव अवश्य देखिए, नवम भाव, लेकिन साथ में आपको सूरज देवता को भी देखना होगा। अगर माता से या माता से कष्ट हो रहा है या माता तुल्य स्त्रियों से कष्ट हो रहा है तो आपको चौथे भाव के साथ साथ चंद्रमा की स्थिति भी देखनी होगी।
अगर बहनों से, बुआ से, चाचियों से दिक्कत परेशानी आ रही है तो बुध को साथ में अवश्य देखना होगा। अगर छोटे भाई बहनों से दिक्कत परेशानी आ रही है तो मंगल को अवश्य देखना होगा, क्योंकि उसका कारक ग्रह भी कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में अवश्य होता। उसके कारक ग्रह का पीड़ित होना ही कुंडली में दिक्कत परेशानियां खड़ी करता है। जिस चाहे हो सकता है भाव और भाव का स्वामी ठीक हो, लेकिन अगर कारक भी पीड़ित अवस्था में आया तो उसकी दशा अंतर दशा में उस रिलेशन संबंधी आपको दिक्कत परेशानियां अवश्य आती। तो प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव याद रखिएगा। आज मैंने आपको जैसे विस्तृत जानकारी दी ग्रहों के तत्व के बारे में और ग्रहों के लिंग के बारे में, यानी सेक्स के बारे में, कौन सा मेल ग्रह है, कौन सा फीमेल ग्रह है, कौन सा यूनुग्रह है, इसे आप नोट करते चले जाइए। इससे विस्तृत जानकारी आपको और आगे देता चला जाऊंगा, ताकि आपके स्वयं के ज्योतिषी बनने में ये एक स्तंभ साबित हो सके, आप खुद कैलकुलेट कर पाए। मेरी कोशिश ये रहेगी कल मैं आपको उच्च ग्रह के बारे में डिटेल बताऊं, फिर नीच ग्रहों के बारे में। इस तरह हम बेसिक जानकारियां क्लियर करते चले जाएंगे। आप इसे डेली रजिस्टर पर नोट करते चले जाइए, डेली सुबह शाम इसको पढ़ते चले जाइए। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे इसे सारी चीज़ें आपके फ्लो में आनी शुरू हो जाएंगी, और आप इजीली हर कुंडली को कैलकुलेट करके उसकी प्रॉब्लम ढूंढ पाओगे और खुद अपना हल ज़रूर कर पाओगे, क्योंकि आप अपने खुद के सबसे बड़े वेलविशर हो। और इस ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम ने यह बीड़ा उठाया है कि आपको घर बैठे बिठाए ही सही ज्ञान देना। जब तक आप खुद सही ज्ञान नहीं लोगे, हर बंदा आपको अपने तरीके से ही हर चीज की डेफिनेशन देता मिलेगा, लेकिन उसमें कितनी सत्यता है, आपका कितना खर्चा करवाना चाह रहा है, ये आपको खुद को देखना है। खर्चे का उपाय के साथ कोई लेना देना नहीं होता। उपाय में सिर्फ एक नियत होती है, उपाय में बताने के लिए सिर्फ एक सही दिशा का रास्ता होना चाहिए। बिना खर्चे के भी उपाय होते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन में जितने भी उपाय बताए जाते हैं वो सारे के सारे कम से कम 2, 4, 5, 10 रुपए से ज़्यादा के खर्च के उपाय ही नहीं बताए जाते। उसका सबसे मूल कारण ये हम मान के चलते हैं कि जो जातक आपके पास पहले ही प्रॉब्लम में आया है, आप उसके मत्थे और खर्चा मर दो तो वो बेचारा कहाँ जाएगा, ये निराधार बात हो जाती है। ये बात इंसानियत के लेवल से साइड पे हो जाती है कि अगर वो खर्चा करने के काबिल नहीं है तो क्या अब उसका कोई उपाय नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन बताने वाले की नीयत उतनी साफ चाहिए। बताने वाला सिर्फ अपनी फीस से संतुष्ट होना चाहिए, वो इधर उधर की कुंडी लगाने वाला नहीं होना चाहिए कि फलानी पूजा करा लो, टिकाणी पूजा करा लो, ये नग बेच दो, वो रतन बेच दो, त्रिशक्ति बेच दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको सदैव ध्यान में रखनी होगी। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए, और कल मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा उच्च नीच के ग्रहों के बारे में। तो कल अपना कॉपी पेंसिल जरूर साथ में रेडी रखिए, उच्च के ग्रहों के बारे में कल विस्तृत जानकारी दूंगा, परसों नीच के ग्रहों के बारे में जानकारी होगी। आप सबके लिए आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, जब भी किसी लड़का लड़की की आप मैरिज फिक्स करें या मंगनी फिक्स करें या आपने उनको शगुन डालना हो, तो सदैव इस बात का ध्यान रखें कि उनका मुंह सदैव चढ़ते सूर्य की तरफ होना चाहिए। जब भी आप उनको शगन डालें, चाहे शाम के 4-5 बजे ही क्यों न डालें, उनका मुंह चढ़ते सूर्य की तरफ होगा तो आने वाला नव जीवन या आने वाला उनका दाम्पत्य जीवन एक दूसरे की सहायता के लिए या एक दूसरे के लिए शुभ फलकारी होगा, एक दूसरे की केयर करने वाला होगा। प्रिय दर्शकों, हर घर में एक ज्योतिष विद्या को सही जानने वाला और पढ़ने वाला अवश्य पैदा हो, ताकि किसी को भी भटकना ना पड़े। इस मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देकर के शनिदेव से प्रार्थना करता हूँ। शनिदेव कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।